पंजाब बीजेपी के साबका प्रधान सांसद श्वेत मलिक ने पंजाब सरकार दी नीतियां खिलाफ उपवास रखा अते आख्या कि पंजाब सरकार लोड़वंदा विच राशन वंडन लग्या पक्षपात कर रही है, इस तो बंद किया जाए। साबका कौंसलर राजेंद्र महाजन, जिला युवा मोर्चा प्रधान गौतम अरोड़ा, हरविंदर संधु भी मौजूद सन। अज बड़ी विषम स्थितियां पंजाब आ गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्होंने सारा मंत्री मंडल अज करोना के खिलाफ जो मोदी साहब ने सफलतापूर्वक जो लड़ाई छेड़ी हुई है कि अज ये वैश्विक महामारी करोना मोदी साहब विश्व के सब तो लोकप्रिय नेता बन के उभरे ने और सारी दुनिया ही उन्होंने तारीफ हो रही है कि उन्होंने दूरदर्शिता करके तुरंत उन्होंने ये एक्शन लिया और अज देश जिहड़ा है वह काफ़ी इस विपदा तो बचाया। पर दूजे पासे देखिए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पता नहीं शायद कुंभकर्ण बने हुए हैं कि ऐसी परिस्थितियों के बीच भी पंजाब के बीच करोना का विस्फोट हो गया। एक दिन 100 तो वध करोना के केस जिहड़े ने वो आए ने और टोटली प्रशासनिक जो अमरिंदर सिंह जी का सिस्टम है वह फेल हो गया और ये नाल ही जिहड़ा तकरीबन सारे पंजाब के 23 चो 22 डिस्ट्रिक्ट ने जोड़े उन्होंने करोना जोड़ा है वह फैल चुका है। दूजी गल कि जो राशन 1,42,00,000 लोगों का केंद्र के मोदी सरकार ने पंजाब के गरीब लोगों के बीच वंडन लिए दिता वो ये डकार गए ने बहुत व्डा भ्रष्टाचार होया। भाई भारतीय जनता पार्टी वालों सारे पंजाब के अश्विनी शर्मा जी के नेतृत्व भुख हड़ताल और उपवास रखा जा रहा है कैप्टन नू कुंभकर्ण नींद तो जगाने लई कि राशन जिहड़ा है वह घर घर तक पहुँचना चाहिए और केंद्र का राशन है कम से कम वो भाई भतीजावाद या राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।